अभी देखो मैंने भी सुबह ये क्रीम अप्लाई किया था और मुझे अभी तक अच्छा खासा होल्ड जो है वो है। हे गाइस, दिस इज़ नावेद एके एनवीडी एंड यू आर वॉचिंग एनवीडी लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ मैन डिजर्व हेयर स्टाइलिंग क्रीम। ये क्रीम मैं पास 3 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई थिंक कि अब वक्त आ गया कि इस क्रीम का जो वर्डिक्ट है फाइनल रिव्यू मैं इस वीडियो में दूँ। और डे टू डे लाइफ में किस तरीके से ये क्रीम आपके हेल्प कर सकता है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या ब्रांड जो क्लेम करती है वो सारी चीज़ें इस क्रीम में मिल जाएगी, सारी डिटेल जानेंगे एक के बाद एक। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को एक लाइक छोड़ देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्रोडक्ट की ओवरव्यू की बात करें तो कुछ ऐसे डब्बे में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, राउंड शेप का डब्बा है और क्वालिटी भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। क्वांटिटी की बात करें तो 100 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। उसके बाद आपको प्राइस जो है वो 350 पर 100 ग्राम आपको इस पर पड़ जाएगा, तो प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी इज़ रीजनेबल। अब बात करें इसमें इंग्रेडिएंट्स की तो ब्रांड क्लेम करती है सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे ये पैराबेन फ्री है, पैराबेन SLS और मिनरल ऑयल और सारे जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है उससे फ्री प्रोडक्ट है। इसमें आपको पेट्रोलियम जेली का भी इस्तेमाल नहीं देखने को मिलेगा। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि सारे केमिकल्स से फ्री तो नहीं है क्योंकि इसमें परफ्यूम भी डाला गया है, लेकिन जो ज़्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे SLS, पैराबिन, मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम जेली, वो सारी चीज़ें तो फ्री है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं एज अ केमिकल फ्री प्रोडक्ट। मैन डिजर्व हेयर स्टाइलिंग क्रीम दो चीज़ें क्लेम करती है। पहली, एक हेयर स्टाइलिंग देगा आपको, आपके हेयर को स्टाइल करेगा, और सेकेंड, हेयर नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। ये दो चीज़ें ब्रांड जो है वो क्लेम करती है। अब बात करते हैं कि ब्रांड क्लेम जो कर रही है वो पूरा हो रहा भी है या नहीं। अगर हम इस प्रोडक्ट को कंपेयर करें दूसरे वैक्स क्ले से तो वो सिर्फ आपको हेयर स्टाइलिंग में मदद करेगा, लेकिन हेयर नरिशमेंट ये सारी चीज़ें वो नहीं करेगा। कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्सपेंसिव जो आपको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, हेयर स्टाइलिंग भी प्रोवाइड करेगा, बस इस प्रोडक्ट में आपको हेयर स्टाइलिंग प्लस हेयर नरिशमेंट भी मिल जाएगी। तो अभी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा कि इस प्रोडक्ट का क्या सीन है। अब देखो, ब्रांड जो क्लेम करती है वो आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है, फिर उसके बाद हेल्दी हेयर को प्रमोट करता है, डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा, और इसमें विटामिन ई है, कैरेटिन प्रोटीन है और पैंथेनॉल है और 4 मिनरल ऑयल्स है जो ये सारी चीज़ें करेंगी। फार्मूला बता दूँ मैं, बिल्कुल नॉन ग्रीसी फार्मूला है, फ्रीजी नहीं है बिल्कुल भी, आपके बाल पे अच्छे से सेट हो जाता है और काफ़ी अच्छा लुक देता है। ऐसा ऑयलीनेस आपके चेहरे पर नहीं लगेगी, आपके बालों पर भी ऑयलीनेस नहीं लगेगी कि कुछ लगाया है ऑयल जैसा। अब बात करते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो आप इसे डे टू डे लाइफ में डेली यूज़ कर सकते हो। आपको होल्ड जो है वो अच्छा खासा नहीं मिलेगा, मतलब कि जैसे आप वैक्स क्ले पोमेड या फिर जेल लगाते हो वैसा वाला स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं मिलेगा, पर आपके बाल जो अच्छे खासे नरिश हो जाएंगे, शाइनी दिखेंगे और अच्छा खासा होल्ड मिल जाएगा 2 से 3 घंटे का। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो या बहुत एग्रेसिव हो तो उस सीन में आपके जो होल्ड है वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑफिस में हो या कहीं जा या कहीं घर पर ही हो या कहीं भी हो, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हो, ज़्यादा हाथ नहीं लगा रहे हो बालों को, तो वो होल्ड मेंटेन रहेगा पूरे दिन तक। अभी देखो मैंने भी सुबह ये क्रीम अप्लाई किया था और मुझे अभी तक अच्छा खासा होल्ड जो है वो है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ लगाया था मैंने बाल पर और अभी तक उसका जो असर अभी भी बाकी है। और ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू। और भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कौन से प्रोडक्ट्स का रिव्यू चाहिए, पर्सनल ओपिनियन चाहिए। पहले मैं यूज़ करता हूँ उसके बाद रिव्यू आप तक लाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए वी विल मीट सून।